Hello and welcome to another episode of Fact Check, brought to you by Gill Tire Center in Mississauga, your reliable source of new and used tires, trucking and vehicle maintenance. लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बोलना पड़ जाए ना महंगा। वाकई में आजकल का दौर कुछ ऐसा ही है। अगर आप चुप हैं, तो आपको कमजोर करार दे दिया जाता है, और अगर आप कुछ बोलते हैं, तो लोग वैसे ही नहीं जीने देते। तो ऐसे में करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आइए करते हैं फैक्ट चेक और क्या। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि साउथ अफ्रीका के मेयर मैक्सिलिस कोंडा ने अपनी स्पीच में इंडियन एंड व्हाइट कम्युनिटी के बारे में रेशियल टिप्पणी करते हुए निशाना साधा है। और वो भी कोई छोटा मोटा निशाना नहीं है, बल्कि ये कहा है कि अगर दंगा फसाद करना है, लूटपाट करनी है, तो हिंदुस्तानी और व्हाइट्स के इलाकों में जाओ, उन्हें मारो, खत्म कर दो, उनके घरों को जला दो। क्यों? अब क्यों अंतरराष्ट्रीय मीडिया चुप है? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। और ये स्पीच खास उन्हीं दिनों की है जब साउथ अफ्रीका के रह चुके प्रेसिडेंट जैकब जूमो की इनइक्वालिटी, बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफ आवाज उठाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। और आपको तो मालूम ही है कि साउथ अफ्रीका में हिंदुस्तानियों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या मौजूद है। भाई सीधी सी बात है, इस पर एक कम्युनिटी नहीं, बल्कि जहां जहां भी इस खबर ने दस्तक दी, वहां से लोगों का इस बात को लेकर रोष साफ नजर आया। यह खबर फिर हम तक भी आ पहुंची। हमारी टीम ने जब यह सुना कि साउथ अफ्रीका के मेयर ने अपनी स्पीच में रेशियल टिप्पणी की है, तो इस खबर के फैक्ट चेक पर हम उतर आए। और हम दुआ यही कर रहे थे कि यह खबर झूठी साबित हो। लेकिन इससे पहले कि कोई परिणाम निकले, हमने इस खबर से जुड़े सभी दस्तावेज और सबूत खंगाल डाले, तो पता चला कि खबर तो सच्ची है। साउथ अफ्रीका के मेयर ने वाकई में अपने आधे घंटे की स्पीच में कुछ मिनट रेशियल टिप्पणी की बात की। लेकिन बात थी क्या, मैं नहीं बताऊंगा। जब हम इस खबर से जुड़े कमेंट सेक्शन को पढ़ रहे थे, तभी हमारी नजर बहुत से नेगेटिव कमेंट्स में से एक कमेंट पर पड़ी, जिसमें एक यूजर ने इस खबर का ओरिजिनल क्लिप शेयर किया। दरअसल इस वायरल क्लिप में साउथ अफ्रीका के मेयर ने अपनी स्पीच में कम्युनिटीज में शांति बहाल रखने की अपील की थी, कि भीड़ में से ही किसी ने यह बात कह डाली, जिसको लेकर यह वायरल क्लिप जो है बहुत ज्यादा वायरल हो चुका, जनता में आक्रोश पैदा हो गया। इस ओरिजिनल क्लिप में मेयर मैक्सिलिस कोंडा ने अपने कम्युनिटी लीडर्स को वायलेंस और रेसिज्म को रोकने की अपील की और कहा कि कम्युनिटी को स्टेबलाइज और देश में शांति बनाए रखने के लिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। और एक खबर से यह भी पता चला कि साउथ अफ्रीका के मेयर ने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इस गलत खबर के प्रचार की इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया है। तो चलिए अब सुनाते हैं फैसला। नो FIR, नो अरेस्ट, नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए फैक्ट चेक की यह अदालत साउथ अफ्रीका के मेयर मैक्सिलिस कोंडा पर लगे रेशियल टिप्पणी के इल्जामातों से बाइज्जत बरी करती है। और जहां जहां भी इस वीडियो को देखा जा रहा है, ये अदालत खासतौर पर लीडरों से अपील करती है कि समाज को सिर्फ चुनाव और दंगे फसाद का अड्डा न बनाए, इसे सुधारें, इसे खूबसूरत बनाएं और जीने के लायक बनाएं। और ये भी इसलिए था जनाब, दूर तलक जानी चाहिए। द कोर्ट इज नाउ एडजर्न्ड। एक मिनट। दिस एपिसोड ऑफ फैक्ट चेक वॉज ब्रॉट यू बाय गिल टायर सेंटर इन मिसिसागा, योर रिलायबल सोर्स ऑफ न्यू एंड यूज्ड टायर्स, ट्रकिंग एंड व्हीकल मेंटेनेंस। धन्यवाद।